भारतीय समाज में शादी से पहले कुंडलियां मिलाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि यदि कुंडलियां मिल जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, लेकिन कुंडलियां मिलना ही काफी नहीं है। शादी से पहले वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स को कुछ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी थैलेसीमिया का टेस्ट है। ये एक जेनेटिकल बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है। ऐसे में यदि दोनों पार्टनर थैलेसीमिया कैरियर होंगे तो बच्चे थैलेसीमिक हो सकते हैं। इसलिए शादी से पहले दोनों पार्टनर को थैलेसीमिया टेस्ट करना बेहद जरूरी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती ने लोकलिटीन से बातचीत में बताया कि शादी से पहले दोनों पार्टनर्स को थैलेसीमिया का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करवाया जाता है और बाद में दोनों पार्टनर थैलेसीमिया कैरियर निकलते हैं तो उनके बच्चों के थैलेसीमिक होने के 25% चांस है। देखिए, ज्यादा करके हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया का टेस्ट जरूरी है, और इसके अलावा हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इस तरह के कई बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में बीमारियां जाती हैं, तो उसके टेस्ट करवाने चाहिए। और जहाँ तक थैलेसीमिया की बात है तो ये टेस्ट को बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, 400-500 रुपये में हो जाता है। इसको टेस्ट को बोलते हैं HPLC टेस्ट। HPLC का मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक टेस्ट, HPLC टेस्ट जो है वो कहीं भी सरकारी या प्राइवेट में हो जाता है, 500-700 रुपये में हो जाता है। तो ये करवाना चाहिए क्योंकि कोई भी स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर डिफेक्टिव जीन हो सकता है जो स्वस्थ जीन से कवर होता है। तो दिखता व्यक्ति जो है स्वस्थ दिखता है लेकिन जो है अंदर से वो उसके जीन जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो इसलिए, और मान लो दो डिफेक्टिव जीन के लोग यदि मिलते हैं और उनकी शादी होती है तो 25% चांस ये हो जाते हैं कि आने वाले जो बच्चा है उसको मेजर प्रॉब्लम होगी और उसको बीमारी होगी और उसको जैसे बार बार खून चढ़ाना पड़ेगा या कोई उसकी ट्रीटमेंट जो है बार बार उसको इलाज कराना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो थैलेसीमिया कैरियर है हिमाचल प्रदेश के? हम इनको पेशेंट नहीं बोलते, हम इनको कैरियर बोलते हैं क्योंकि पेशेंट तब बोलेंगे जब इनको कोई हमें इंटरवेंशन करनी पड़े। तो ये कैरियर होते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ 2 लाख के करीब जो है वो थैलेसीमिया कैरियर हैं हिमाचल में, और उस बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं। इसलिए कोई भी स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मैं कैरियर नहीं हो सकता, तो हर स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को अपना टेस्ट कराना चाहिए। क्या ये भी संभावना है कि जो यदि दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर थैलेसीमिया का कैरियर है तो आने वाले जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिक हो सकते हैं? आने वाले बच्चे थैलेसीमिया कैरियर होंगे लेकिन उनको बीमारी नहीं होगी, मतलब कैरियर होंगे लेकिन उनको खून चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। जो थैलेसीमिक बच्चे होते हैं कितने समय के बाद उन्हें खून चढ़ाना होता है? ये तो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। कई बच्चों को तो हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खून की डिमांड बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे जो है बच्चे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट ब्लड की हो जाती है और दवाइयाँ की हो जाती है।